कांग्रेस को डर है कि बंगाल में टूट ना जाए। उसके विधायक 100 रुपए के बॉन्ड पर लिखवाई पार्टी के खिलाफ काम ना करने की शपथ। अयोध्या में बजरंग दल के शौर्य प्रशिक्षण कार्यक्रम पर केस दर्ज। राज्यपाल राम नाईक के बजरंग दल का समर्थन करने पर कई पार्टियों को एतराज। केरल में बनी एलडीएफ की सरकार, पिनराई विजयन ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। 20 मई को चुने गए थे एलडीएफ के नेता। तेलंगाना के निजामाबाद में सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला सीसीटीवी वीडियो, दो ट्रकों के बीच एक कार चकनाचूर हो गई। मोदी सरकार के 2 साल के जश्न की मेजबानी से अमिताभ का इनकार। पनामा लीक्स को लेकर कांग्रेस के सवालों पर कहा, सिर्फ एक कार्यक्रम कर रहा हूं। महंगाई पर हल्ले के बीच वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने बता किए आलू टमाटर के भाव। संसदीय क्षेत्र हजारीबाग की सब्जी मंडी पहुंचे। कोयम्बटूर में जयललिता का अनोखा फैन, जीत की खुशी में सवारियों को कराई सिर्फ 1 रुपए में सवारी। ट्रिपल तलाक पर सायरा बानो आफरीन रहमान के बाद बदर सईद ने लगाई सुप्रीम कोर्ट से गुहार। बड़ा सवाल, मुस्लिम महिलाओं को आखिर कब मिलेगी 3 तलाक से आजादी। दिल्ली से जयपुर के लिए गौरव एक्सप्रेस बस की शुरुआत हो चुकी है, अब दिल्ली से जयपुर पहुंचना चंद कदमों की। मध्य प्रदेश के इटारसी में विधायक के स्वागत में ताबड़तोड़ फायरिंग, चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे बीजेपी एमएलए संजय शर्मा। रेल नीर मांगने पर ट्रेन के पेंट्री स्टाफ की गुंडागर्दी की खबर का बड़ा असर, रेलवे ने कैटरर पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। दिल्ली एनसीआर में आज तीसरे दिन भी बारिश, लेकिन कल से 3 दिन तक गर्मी फिर मारेगी जोर। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को आईएसआई ने छिपाया, खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर। मसूद के साथ उसका भाई भी पाकिस्तान के बहावलपुर में छिपा है। ट्रेन की फर्स्ट क्लास टिकट कंफर्म नहीं होने पर एयर इंडिया से सफर संभव है। बारह मई के बाद निफ्टी 7900 के ऊपर बंद, निफ्टी 186 अंक चढ़कर 7935 पर बंद हुआ। नेशनल कैपिटल गुड्स पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी, पॉलिसी के तहत मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की योजना है। एलएनटी और गेल का मुनाफा अनुमान से बेहतर, एलएनटी मुनाफा 18% बढ़कर 2450 करोड़ पहुंचा। विदेशी बाजार में 7 हफ्ते के निचले स्तर तक लुढ़का सोना, भाव 1223 डॉलर तक फिसला। रुपया 42 पैसे मजबूत होकर 67.33 रुपए प्रति डॉलर पर बंद हुआ। आईएफएफसीओ यानी इफको ने फर्टिलाइजर के दाम में कटौती की है, 50 रुपए बोरी की कटौती हुई। मुंबई में मंत्रालय के कंप्यूटर से तगड़ा वायरस अटैक, राज्य सरकार का मुख्यालय और सीएम ऑफिस में मंत्रालय है। डीटीएच कंपनियों की सर्विस पसंद ना आने पर बदल सकते हैं सेट टॉप बॉक्स, ट्राई चेयरमैन का बयान। अमेरिका में पुलिस की चेकिंग के दौरान भागने की कोशिश कर रही एक महिला ने 2 पुलिस वालों को टक्कर मार दी, फिर मौके से फरार हो गई। जॉर्डन और अमेरिकी सेना ने जॉर्डन के जरका मिलिट्री बेस पर संयुक्त सैन्य अभ्यास में हिस्सा लिया। यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे 36 अफगानी शरणार्थी को नौसेना के जवानों ने पकड़ लिया और सीमा सुरक्षा अधिकारियों के हवाले कर दिया। कोलंबियाई सेना और पुलिस अपने यहां से गायब हुए 3 पत्रकारों की तलाश कर रही हैं, इनमें से 2 कोलंबिया के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में व्यापारी संघ की ओर से उग्र प्रदर्शन किया गया, व्यापारी संघ के करीब 60,000 सदस्यों ने प्रदर्शन किया। सरबजीत के प्रमोशन के दौरान एक पत्रकार ने जब ऐश्वर्या राय बच्चन से सलमान खान को लेकर सवाल किया तो वो गुस्से में लाल हो गए। अभिनेता इरफान खान ने मराठी फिल्म नट सम्राट में अनुभवी अभिनेता नाना पाटेकर की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।